हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और डाइनिंग टेबल आ गई। सो गाइस, ईद कल भी पड़ सकती है, परसों भी पड़ सकती है, ज़्यादातर चांसेस है कि कल पड़ेगी। तो हमारी सब लोगों के जैसे ईद की तैयारियां थोड़ी बहुत एक दो बाकी हैं, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, एक दो चीज़ें लेके आएंगे। फीलिंग आ रही है जैसे हम नोएडा में आ गए। पूरा इसी तरीके का होता है, इसी तरीके के वहाँ पे राउंड अबाउट। नाम देखो गाड़ी, क्या नाम है गाड़ी? जटाउर है? जटाउर क्या अजीब सा नाम है। यही नाम है, चाइनीज गाड़ी है। अच्छा, चाइनीज गाड़ी है। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। वो देखिए, हमारी प्राइवेट यॉट झूठ बोल दिया इन्होंने। झूठ नहीं बोल सकते। हाँ। गाइस, ये मजाक था, आप इसको सीरियस ना लें। ऑब्वियसली सबको पता है मजाक कर रहे हैं। हमारे पास एक ही गाड़ी है, जब हम एक गाड़ी बेचते हैं तभी दूसरी लेते हैं। किसी गाड़ी की मैं बात कर रहा था, जटाउर। और ये जब वर्ल्ड कप हुआ था तो जिस जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था सबके फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये दोहा का स्काईलाइन, मतलब यहाँ की सबसे अच्छी जगह, खूबसूरत जगह यहाँ की सबसे ज्यादा। बट सी द लोकेशन, ग्रास, ग्रीनरी, फिर पानी, फिर बीच, फिर वो स्काईलाइन। आसमान की ऊंचाइयों में, और ये फैजी के ऑफिस की लोकेशन है। सिटी सेंटर आ चुके हैं हम। तो मेरे पास ऑलरेडी एल्यूमिनियम वायर और ये कुछ फाइंस रखी हुई थी, तो मैंने उसका डीआईवाई कर दिया और फाइनली मैंने ये बनाया। ये रहा हमारा डीआईवाई चांद। और जो सबसे पहला सेलिब्रेशन होता है चांद रात पे, वो होता है मेहंदी। तो सबसे पहले मैं सारा के हाथों में मेहंदी लगवाती हूँ, और ये एकदम चुपचाप से बैठ के लगवाती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। उसको शौक है मेहंदी लगवाने का। सो इंटरेस्टिंगली, मुझे शौक है लगाने का, उसको शौक है लगवाने का। तो ये बेटर कॉम्बिनेशन करके मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मेहंदी बोलती है, मेहंदी 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 मेहंदी। कैसे लग रही है सारा की? मेहंदी, सारा की मेहंदी बिल्कुल मेहंदी। हाउ इज सारा मेहंदी लुकिंग? वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तेरी पे वीडियो बन कर दूंगी। हां, वीडियो बन कर दूंगी अगर ऐसा बोला तो। नो, her hands no, are so beautiful. So beautiful, see, just so beautiful, so elegant, just looking like a wow. That's looking like a wow. बहुत बढ़िया, ज्यादा भरा नहीं है, थोड़ा एलिगेंट। नहीं नहीं, भरता भी नहीं, अभी शादी तुम्हें ना है कि नहीं, मतलब वैसे अच्छा लगता है ना बच्चों के ऊपर। नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतनी अच्छी लग रही। मेरा भी कुर्ता पजामा तैयार हो गया कल के लिए, मैंने भी अपना कुर्ता पजामा सब रेडी कर दिया है। मैं बनियान, जुराबे एंड बाकी इनोवेस की तो मैं बात नहीं करूंगा, तो बाकी सब तैयार। नहीं मतलब सब कुछ नए नए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है पहनने में। हर चीज़ एक अंदर से बाहर सब कुछ, सब कुछ नया होना चाहिए। हालांकि ईद अपने भारत की मनाने की एक अलग बात होती है। ठीक है, एक ही महीने पहले हम गए थे तो इतना ज्यादा। हाँ, अभी अभी गए हैं, अभी इतना इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती भाई, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, मतलब जितना कमाई नहीं उतना चला जाए। हाँ एग्जैक्टली, खर्चा रुपया इनका चलता रहे। आमदनी हमेशा रियाल और खर्चा रुपया होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आमदनी रुपए हो, खर्चा रियाल हो जाए, वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल भाई। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। नहीं को बोलते हैं ला, नहीं को बोलते हैं ला। सारा कैसे बोलते हैं? सारा तो बिल्कुल हलक से बोल रही है अरेबिक। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू इट देन से ला 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 सा से ला से सा। ये इकरा डैडी, ये
सो नेक्स्ट डे हो चुका था, आज है ईद, ईद मुबारक एवरीवन। हम बनाएंगे शीर खुरमा, और शीर बनाने के लिए और बाकी चाट और दही बड़े मंगौड़े सब बनाने की मैंने पहले से तैयारी कर ली। शीर बनाने के लिए सबसे पहले आप दूध को बॉईल कर लें अच्छे से, फिर ड्राई फ्रूट्स जो भिगो के रखे हैं वो डालें और अच्छे से उसको पकाएं। इस टाइम पे मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना वो अच्छे से पक नहीं पाएगा। जब ये पक जाए उसके बाद आप वर्मी सेली डाल दें। इट डिपेंड्स आपको कितनी थिक खानी है, आपको हल्की रबड़ी चाहिए तो आप है ना वर्मी सेली कम डाल सकते हो, और आपको सेवई ज़्यादा चाहिए तो आप वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। फिर उसको आपको काफ़ी देर तक पकाते रहना है, उसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, कलर थोड़ा सा क्रीमी वाइट आना चाहिए, क्योंकि जितना वो थिक होगी हल्की हल्की तो वो उतना ज़्यादा टेस्ट में लजीज बनेगी। सो इसीलिए आप उसको हिलाते रहे, बीच बीच में चलाते रहे, नीचे वो चिपकने ना पाए, क्योंकि क्या होता है वो नीचे चिपक जाएगी तो उसकी रबड़ी मिक्स नहीं होगी, और अगर आप नीचे से उसको बार बार हिला हिला के चलाते रहेंगे तो उसकी रबड़ी जब मिक्स होगी शीर में तो उसका टेस्ट और बढ़ेगा। फिर ये जब पक जाए उसके बाद में आपको हल्की सी पिसी हुई छोटी इलायची डाल देनी है, उसको गार्निश करना है, एंड दिस विल लुक यम्मी। सो ये है हमारी शीर ठंडी होने के बाद, जो कि एकदम सॉर्ट ऑफ रबड़ी हो गई है, बिल्कुल रबड़ी जैसी आप समझ सकते हो। मैं मतलब हम लोगों को, हम दोनों को थोड़ी थिक पसंद है ना, पतली पतली नहीं पसंद। कैसी बनाई मैंने, मानती हो कि नहीं, किस बार मैंने कैसी बनाई है, इस बार तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी कि मैंने बनाई है। फिलहाल तो आप लोगों को बना रहे हैं, मैंने बनाई है। ठीक है, जरा एक शोहर के लिए अगर आप कह देती तो इसमें बुराई नहीं होती, गुनाह नहीं पड़ जाता आपको। आपने बनाई, आपसे अच्छा कोई उल्लू बना ही नहीं सकता। नहीं मतलब नहीं, ये सब भी मतलब जो है वहाँ पे भी जो सब सामान रखा है वो सब भी मैंने ही बनाया है, थोड़ा सा कह सकती हैं आप इसमें। सब कुछ आपने बनाया है? नहीं मतलब मैं ऐसा भी नहीं कर, नहीं यार ये मैं नहीं करता हूँ ये सब बातें, आप ऐसा मत बोलो मेरे लिए। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं, आप मच्छर को जैकेट बना सकते हैं, आप हाथी को चड्डी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो ऐसा है, इतनी बदतमीजी हम कभी सहते नहीं है और ना ही सहेंगे, ठीक है ना, आप बताए दे रहे हैं। सहनी पड़ेगी, क्या ही कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ही बोला जाए, फिलहाल तो मदहोश हो गए हैं, रबड़ी खा खा के, बदतमीजी, शीर खा के, बदतमीजी। दिस इज सो 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 यम्मी, ये हमारे बच्चे के वास्ते मैं सह लेता हूँ सब, नहीं तो फिर क्या करते आप? नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ खुद ही कर अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब चला जाता थोड़ी देर के लिए, फिर चाय पी के वापस आ जाता जो भी आप हमेशा करते हैं। एनीवेज नहीं बदतमीजी नहीं करो, ठीक है ना, तमीज से बात किया करो। हाँ सो नेक्स्ट डिश थी हमारी दही वड़े की, उसके लिए मैंने मूंग और उड़द की दाल को भिगो के उसको ग्राइंड कर लिया, उसमें लाल मिर्च और नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने पैन में ऑयल लिया है, जब वो हॉट हो जाए अच्छे से तो उसके बाद में आप मीडियम फ्लेम पे ये वड़े पकाइएगा, जिससे ये अंदर तक पक जाए, आपको फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है और ये बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करने, आपको ऊपर से लाइट पिंकिश होंगे, उनको नमक के पानी में भिगो के निचोड़ के पूरे वड़े रेडी कर लेने हैं। जब ये सारे वड़े आपके रेडी हो जाएंगे तो आपको दही में अगेन सॉल्ट और लाल मिर्च लेनी है, और आप दही वड़े मसाला भी डाल सकते हो, इसमें चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हो। फिर आपको ये सोक करने, सोक जब ये हो जाएंगे उसके बाद आप दही बड़े मसाला या फिर चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके, या हरी या लाल चटनी, तो इसके ऊपर हम डालेंगे अपना होममेड दही बड़े मसाला, ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, सबसे ज्यादा मजा इसी से आना है। नहीं तो टेस्ट जो थोड़ा सा एक होता है ना, एकदम से फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। जिसको ज्यादा स्पाइसी पसंद है वो ज्यादा डाले मेरी तरह, और जिसको कम पसंद है वो बिल्कुल ही ना डाले तो भी लेकिन काम चल जाएगा। इससे काफी वो हो जाता है, मतलब एक टेस्ट। और आप देख सकते हो कितने स्पॉन्जी बने हैं ये। यस ये देखिए, वेरी वेरी स्पॉन्जी, एक बार में ही। मजेदार, जबरदस्त है ना, बस ठीक है। अब इतना दिखाओगे ना फिर पब्लिक, सबको मुंह में पानी आ जाएगा, या मेरे भी आ जाता है ऐसे। मैं रेसिपी शेयर करूंगी, आप सब बना सकते हो झटपट, पांच मिनट तो बहुत कम बोल दिया, झट आधे घंटे में बन जाएंगे, मुश्किल से आधे घंटे में। बस आपको दाल पहले से फुलानी है। इकरा ने चाट लिया, हाँ इकरा ने मसाला चाट लिया ये वाला। इकरा यार तुम तो बिल्कुल ही चैन नहीं दियो। हाँ तो दही बड़े भी बहुत मजेदार बने, देखो आप लोगों को रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है ब्लॉग में, आप देखना और शेयर कर देना इंशाल्लाह। हाँ मैंने कर दी ऑलरेडी ब्लॉग में, कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग भी इसको ट्राई करना, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत स्पॉन्जी है, और आपकी तारीफ जरूर होगी, ये मैं गारंटी ले रही हूं। चलिए ठीक है, आपके घर में सबको पसंद आया, नहीं तो सब इंस्टा में डीएम कर देना नेहा को डायरेक्ट। तो
तो मैंने तीन तरीके की पैटीज़ भी बनाई हुई थी। पहले थी समोसा फिलिंग्स के साथ में, उसमें मैंने पैन में ऑयल लिया, हींग डाला, थोड़ा सा साबुत धनिया डाला, जीरा डाला, उसको थोड़ा सा रोस्ट किया। फिर उसके बाद में आपको जीरा मसाला डालना है, हल्दी डालनी है और गरम मसाला डालना है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, और ब्लैक पेपर पाउडर भी। उसको अच्छे से मसाले को रोस्ट करना है, थोड़ा ब्लैकिश कलर आ जाना चाहिए। उसके बाद आप अपने मैश्ड पोटैटोज़ उसमें डाल दीजिए और फ्रोज़न पीज़ उनको बॉयल करके डालना है, फिर वो मिक्स कर लीजिए नमक डाल के अच्छे से, ये रेडी है। नेक्स्ट है चीज़ फिलिंग, जो कि मैंने बॉयल पोटैटोज़ में कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, चीज़, चिली फ्लेक्स, हल्का सा ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसको भी मिक्स कर लेना है। देन थर्ड फिलिंग है हमारी, उसमें सारे वेजीज को आपको छोटे छोटे चॉप करना है, जिसमें पत्ता गोभी, कैप्सिकम और कैरेट है, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ये था हमारा आज का ईद का व्लॉग। तैयारियों में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई, मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाई ना ज़्यादा रेसिपी शूट कर पाई, लेकिन मैंने एक दो रेसिपीज़ जो मेरी अच्छी जाती हैं, लोगों को पसंद आती है, वो मैंने इस व्लॉग में डाली है। और इकरा बहुत ज़्यादा बोल रही है, मुझे नहीं बात करने दे रही है, बिल्कुल ही बात करने दे रही है, इकरा कुछ भी नहीं बोलने दे रही मम्मा को। मैं ख्याल रखें, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको और हैप्पी ईद वंस अगेन। दिस इज अवर न्यू लुक, थोड़े थोड़े चेंजेस हमने कर दिए हैं, लाइट्स चेंज कर दी थी तो ये थोड़ा सा अच्छा अच्छा हो गया है। और ये एंट्रेंस पे हमने फ्लावर एंड ये सब रख दिया है। सब लोग जा चुके हैं, अब ये खाने वाने का सीन निपटेगा। अभी मैंने नहीं खाया यार अच्छे से प्रॉपर। सिर्फ वेट करिए कि मेरा वीडियो कब ऑन करेंगे, अब वीडियो ऑन नहीं कर सकते ना अभी, वेट करो। नॉनवेज भी बना था गाइस, बट हम नॉनवेज नहीं दिखा रहे क्योंकि हमारे बहुत सारे व्लॉग्स में बहुत सारे लोग, मतलब हमारे नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, जो नहीं, जो रेसिपीज आप लोग अपने नवरात्रि में भी खा सकते हैं, तो वो सारी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वही सारा खाना मैंने आपको व्लॉग में दिखाया है। तो ये व्लॉग व्रत फ्रेंडली है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईद फ्रेंडली भी है, व्रत फ्रेंडली, व्रत फ्रेंडली भी है, सब एंजॉय कर सकते हैं। वेरी गुड। कितने लोग आ गए? व्हाट इज दिस सारा? दिस इज मनी। This is money? Money या ईदी? ईदी है। सारा को इतनी सारी ईदी मिली है, हाँ? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सारा बेबी। और ये लो आपको और भी बहुत 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 सारी ईदी मम्मा और डैडी की तरफ से। हाँ। Oh my God, so much money you have. Now Sara, what will you do with this money? I'll buy something. What? Dress. What will you buy? Dress. Dress? Yeah. But you already have so many dresses. But we will buy half of this dress from this and half for Ikra also. Half for dress yeah, and half for Ikra. Ikra ki bhi hai isme to. Ikra also. You have to share with Ikra. You have to share with Ikra. I said also Ikra. Also Ikra. She is also Ikra, yes. She is a good girl. And aapne sabko salam kiya tha Eid milne ke baad? और हमारे सारे YouTube के फैमिली को बोलो ईद मुबारक एवरीवन, बोलो ईद मुबारक एवरीवन, लव यू और किसी दो, आई लव यू। मामा पानी खोल, मामा से ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीवन। ओके से अगेन, से अगेन, आई एम ईटिंग चीज समोसा, यस, एंड इक्रांसो, these are flowers, this is my money, this is my water, this is my candies. Okay, I'll throw it in the dustbin. Want to see daddy guys? और ये था ईद का दूसरा दिन। तो मैं पहले दिन बहुत अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, बिकॉज आई वॉज मोस्टली ऑक्यूपाइड और बिजी थी बहुत सारी चीज़ों के साथ में। बट सेकेंड डे मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हुई थी, तो मैंने ये वाला सूट पहना था जो मैंने इंडिया से ऑलरेडी बनवाया हुआ है, ये शॉप से लिया था और इसको स्टिच करवाया है, सो इसका कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है, आई एम सो सॉरी। सो ये था मेरा फाइनल लुक थोड़ी सी एक्सेसरीज के साथ। I like
नेक्स्ट इंडिया में ईद होती है, तो आज हम फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे वीडियो कॉल पे बात करके सेलिब्रेट कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। Now they are spending their Eid like this. So, आज है ईद का दूसरा दिन, हम लोग जा रहे हैं बाहर। सो गाइज, वी फील ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल कनेक्टेड विद अस। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको सबसे अच्छी चीज़ इस ईद व्लॉग में क्या लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक, लव यू ऑल।